हाय स्टूडेंट, इन दिस सीरीज वी डिस्कस अबाउट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ये बहुत सिंपल लॉ है जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात करता है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात करता है। यह सिस्टम कहता है कि यह लॉ कहता है कि किसी भी सिस्टम और सराउंडिंग की एनर्जी रिमेन कांस्टेंट। एनर्जी ऑफ सिस्टम एंड सराउंडिंग रिमेन कांस्टेंट। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये सिस्टम, ये लॉ बताता है कि एनर्जी ना इधर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी को ना ही क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, बट इट कैन कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। लेकिन यह एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक यही हमें बताता है कि यह कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में बताता है, और यह बताता है कि यूनिवर्स की टोटल एनर्जी जो होती है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। यूनिवर्स की टोटल एनर्जी हमेशा क्या होती है? कांस्टेंट रहती है। अब जैसे अगर हम बैटरी ले लें, बैटरी में कोई केमिकल पड़े होते हैं, केमिकल रिएक्शन होंगे तो केमिकल एनर्जी इमिट होगी। उसको किसी उस सेल को, बैटरी को किसी सिस्टम में डालते हैं तो हो सकता है हमारा फैन रोटेट करने लग जाए, हो सकता है हमारा इलेक्ट्रिकल करंट सप्लाई हो जाए, लाइट हमको मिलने लग जाए, हो सकता है साउंड प्रोड्यूस होने लग जाए। तो ये डिफरेंट फॉर्म में एनर्जी हमारे पास कन्वर्ट होने लगेगी, मतलब केमिकल एनर्जी से अलग अलग फॉर्म में एनर्जी का कन्वर्जन होगा। तो एनर्जी को ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बल्कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम क्या कर सकते हैं? एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। यही क्या है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है। इसी को फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहते हैं। तो ये क्या, ये सबसे पहले लॉ क्या कहता है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात करता है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात करता है। और इसके अकॉर्डिंग क्या है कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। यह एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या हो सकता है? चेंज हो सकता है, लेकिन एनर्जी को ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना ही हम उसको जनरेट कर सकते हैं, ना ही एनर्जी को हम क्या कर सकते हैं? क्रिएट कर सकते हैं। तो यह है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। जैसे ए किसी रिएक्शन में ए और बी मिलकर के सी और डी बनाए, और सपोज कर लीजिए कि 40 जूल इसकी एनर्जी थी, 60 इसकी एनर्जी थी, टोटल मिला के 100 हुआ। रिएक्टेंट की एनर्जी कितनी है? 100। और इसमें यदि हम इसको 20 इसकी एनर्जी कैलकुलेट किए, 20 हुई इसकी आई 80। तो हम ये देख पा रहे हैं कि किसी भी रिएक्शन में जो टोटल एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट एंड टोटल एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट रिमेन सेम होती है। मतलब यहाँ पे ना ही एनर्जी का ना ही लॉस होता है ना ही क्रिएट होता है,
बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। किसी भी रिएक्शन का जो एनर्जी होता है, जैसे इसकी कोई जो भी एनर्जी होगी इस सिस्टम की, इसकी जो भी एनर्जी होगी क्या होगी कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होने में जो भी एनर्जी होगी प्रोडक्ट की, वो पूरा सम किसके इक्वल होगा, रिएक्टेंट के एनर्जी के इक्वल होगा। अगर हम ये बात करूं कि जैसे हम आइस ले लें, आइस ले लें, यह जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है यह कह रहा है कि एक एनर्जी का एक फॉर्म दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है। इसका मतलब है कि ये आइस है, आइस पे हम एक टब रख दिए और इसमें हम वाटर रख दिए, हम आइस से हम क्या करें, वाटर को हीट करें। ये कैसी बात, आप लोग सोचेंगे कैसी बात कर रहे हैं, आइस से हम वाटर को हीट कर पाएंगे, कभी नहीं होगा। तो ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है ये तो बताता है कि कंजर्वेशन होता है, लेकिन ये नहीं बताता एनर्जी का फ्लो किधर होगा। क्या लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर में फ्लो पॉसिबल है, नहीं होगा। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ये नहीं बताए, इसमें नहीं है कि एनर्जी का फ्लो किधर होगा, इसलिए सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आई। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इसलिए आया क्योंकि यह फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स यह बताने में असफल रहा, क्योंकि एनर्जी का फ्लो किधर से होगा, इसलिए सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आया। और सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये बताता है कि एनर्जी का ट्रांसफ़र हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की ओर होता है, एनर्जी का ट्रांसफ़र हमेशा हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर होता है। तो बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग।